इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक साइकिस्ट्रिक हॉस्पिटल को दिखाते हैं जिसमें एक लड़की मैरी को दिखाते हैं, तो वो सिर्फ एक ही लाइन को कह रही होती है कि मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इस लाइन को वो कह रही थी, तो वो हम फिल्म में आगे जानेंगे। तो अब इसके बाद मैरी और उसकी फ्रेंड एलेक्स को दिखाते हैं जो कार से जा रहे होते हैं। तो एलेक्स अपने फार्म हाउस जा रही होती है अपनी फैमिली से मिलने, और साथ वो मैरी को भी अपनी फैमिली से मिलाने के लिए जा रही होती है। तो वहाँ पर मैरी स्मोक भी करती है, उसके बाद वो दोनों वहाँ पर काफ़ी बातें भी करते हैं और वो कार में सॉन्ग प्ले करते हैं। अब इसके बाद एलेक्स की फैमिली और उसके फार्म हाउस को दिखाते हैं। तो एलेक्स का छोटा भाई टॉम डॉग के साथ खेलता रहता है। अब इसके बाद फिल्म में ट्रक ड्राइवर को दिखाते हैं जो एक सीरियल किलर रहता है। तो वहाँ पर वो एक की डेड बॉडी के साथ मजे करता है और उसके सर को बाहर फेंक देता है और अपने ट्रक को लेकर वहां से चले जाता है। तो अब रात हो जाती है और एलेक्स और मैरी फार्म हाउस पर भी पहुंच जाते हैं। तो मैरी कार को चला रही होती है, तभी एलेक्स को खेत में कुछ दिखाई देता है। तो वो कार से उतरकर कॉर्नफील्ड में जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर तक वापस नहीं आती है। तो मैरी कार में से उतरकर उसके पीछे जाती है, बट मैरी को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर बाद एलेक्स कार में रहती है और वो कार को ले जा रही होती है। तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर एलेक्स मैरी को अपने डैड डैनियल से भी मिलवाने के लिए चले जाता है। अब इसके बाद एलेक्स मैरी को अपना घर भी दिखाती है और वो अपने छोटे भाई टॉम को उसके रूम में सुला देती है। तो मैरी अपने रूम में चले जाती है और एलेक्स अपनी मॉम से मिलने के लिए चले जाती है। तो वहाँ पर मैरी अपने रूम को भी देखती है। उसके बाद मैरी और एलेक्स किचन में रहते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं। एलेक्स मैरी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती। तो इसके बाद एलेक्स तो बाथरूम में नहाने के लिए चले जाती है और मैरी घर से बाहर आती है स्मोक करने के लिए। तो वो वहाँ पर स्मोक कर रही होती है, तभी वो खिड़की से एलेक्स को देखती है जो नहा रही होती है। तभी हमको पता चलता है कि मैरी लेस्बियन थी और वो एलेक्स से प्यार करती थी। तो उसके बाद उस घर में सभी सो जाते हैं। तो मैरी घर के अंदर जाती है और वो अपने रूम में जाती है, वहाँ पर जाकर वो सॉन्ग प्ले करती है और वहाँ पर वो मास्टर वेटिंग भी करती है। तभी घर से बाहर वही ट्रक ड्राइवर सीरियल किलर आता है और वो डोरबेल को बजाता है। तो सभी सो गए थे लेकिन मैरी नहीं सोई थी, तो वो खिड़की से बाहर देखती है। तभी एलेक्स का डैड डैनियल उठ जाता है और वो नीचे आता है डोर बेल को चेक करने के लिए। तो जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, वो किलर डैनियल के हाथ को काट देता है और साथ ही वो किलर उनके डॉग को भी मार देता है। तो वो डोर को ओपन करके बुक केस की मदद से डैनियल के सर को धड़ से अलग कर देता है। तो मैरी उन सब को देख रही थी। अब इसके बाद एलेक्स की मॉम को आवाज़ें सुनती है और वो उन आवाज़ों को सुनकर उठ जाती है। तो वो नीचे जाती है, नीचे जाकर वो डैनियल की डेड बॉडी को देखती है, लेकिन इतने ही वहाँ पर वो किलर आकर एलेक्स की मॉम को भी पकड़ लेता है। अब इसके बाद मैरी को दिखाते हैं जो अपने रूम में रहती है, तो वहाँ पर उसे एक फ़ोन मिल जाता है। तो वो फ़ोन को चालू करने के लिए प्लग ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर उसे प्लग नहीं मिलता है। इतने ही उसे उस किलर के फुटस्टेप की आवाज़ें आती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि वो उसी के रूम में आ रहा है। तो मैरी अपने रूम को बिल्कुल ऐसा बना देती है कि जैसे उस किलर को लगे कि उस रूम में कोई है ही नहीं, और ऐसा करके वो छुप जाती है। तो किलर उसके रूम में आता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो वो बाथरूम में भी चेक करता है, वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो मैरी बेड के नीचे छुप गई थी, उसके बाद वो किलर वहाँ से चले जाता है और वो एलेक्स के पास पहुंच जाता है और वो किलर एलेक्स को चुप रहने के लिए कहता है। तो मौके का फ़ायदा उठाकर मैरी एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाती है, वहाँ पर वो फ़ोन ढूंढती है लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिलता है। तभी उस रूम में कोई आने लगता है, तो मैरी क्लोजेट में छुप जाती है। तो वहाँ पर एलेक्स की मॉम आती है जो घायल रहती है, इतने ही उसके पीछे पीछे कलर आ जाता है और वो उसकी मॉम के गले को काट देता है और रूम से चले जाता है। तभी मैरी क्लोजेट से बाहर निकलती है और वो देखती है कि टॉम घर से भाग जाता है। तो कलर टॉम का पीछा करता है। उसके बाद मैरी रूम से बाहर निकलकर एलेक्स के रूम पर जाती है, तो वो एलेक्स को देखती है जो बंधी हुई रहती है। तो वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है। तभी वो विंडो की तरफ देखती है, तो वो कलर शॉटगन की मदद से टॉम को भी मार देता है। तो इन सब से एलेक्स को काफ़ी बुरा भी लगता है और वहाँ पर वो रोने लगती है। अब इसके बाद मैरी किचन में जाती है, वहाँ पर उसे फ़ोन मिल जाता है। तो जैसे ही वो उस फ़ोन में कॉल करती है, तभी वो उसे पता चलता है कि कलर ने उस फ़ोन की वायर को भी काट दिया था। वो कलर घर के अंदर आ जाता है और वो एलेक्स को लेकर ट्रक में बैठा देता है।
तो उसके बाद मैरी को दिखाते हैं जो किचन से नाइफ को ले लेती है और वो घर से बाहर आकर उस किलर से छुप जाती है। अब इसके बाद वो किलर घर के अंदर जाता है और वो एक अलेक्स की फ़ोटो को भी ले लेता है। तो मैरी अलेक्स के साथ ट्रक में चले जाती है, इतने ही वो किलर ट्रक को लॉक कर देता है और मैरी अलेक्स के साथ बंद हो जाती है। लेकिन उस किलर को मैरी के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो किलर ट्रक में बैठ कर उस ट्रक को वहाँ से ले जाता है। तो बीच रास्ते में वो ट्रक में सॉन्ग प्ले करता है और उसी का फ़ायदा उठाकर मैरी उस ट्रक के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उस किलर ने पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप किया था और वो अलेक्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था। अब इसके बाद वो किलर उस ट्रक को लेकर गैस स्टेशन पर जाता है, वहाँ पर वो ट्रक में गैस ऑल भरता है। तो इतने ही मैरी ट्रक का डोर ओपन करके गैस स्टेशन स्टोर की तरफ जाती है। वहाँ पर वो गैस स्टेशन स्टोर के किलर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन इतने ही वो किलर शॉप में आ जाता है तो मैरी उसे देखकर छुप जाती है। तो वो क्लर्क से वाइन लाने के लिए कहता है, तो वो क्लर्क उसके लिए वाइन लाता है, लेकिन पीछे से वो ट्रक ड्राइवर आकर उस शॉप के क्लर्क की छाती में अपनी एक्स मारता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसके बाद मैरी छुपने के लिए टॉयलेट में चले जाती है, वो किलर भी टॉयलेट में आता है। तो वहाँ पर वो एक एक टॉयलेट को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे मैरी नहीं मिलती है क्योंकि मैरी जेंट्स टॉयलेट में जाकर छुपी थी। तो उसके बाद वो जेंट्स टॉयलेट में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो टॉयलेट को चेक नहीं करता है बल्कि वो टॉयलेट करके वहाँ से चले जाता है और एलेक्स बच जाती है। तो वो किलर गैस स्टेशन से उस ट्रक को ले जाता है और उसमें एलेक्स भी रहती है। तो मैरी अभी भी शॉप में थी, तो वहाँ पर वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को बता नहीं पाती है कि वो फ़िलहाल कहाँ पर है। तो इसीलिए वो एलेक्स को बचाने की सोचती है, तो वो उस किलर की गन और कार को लेकर उस ट्रक का फॉलो करती है। तो वो काफ़ी दूर तक उसका फॉलो करती है, लेकिन किलर को पता चल जाता है कि मैरी कार से उसका पीछा कर रही है। तो वो अचानक से डिसअपीयर हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को मैरी की कार के पीछे ले आता है और वो उसकी कार में टक्कर मारता है। तो वहीं पर मैरी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। तो जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है, वो वहाँ से भागने लगती है। तो बीच रास्ते में उसे फेंस दिखाई देती है, तो वो उसकी मदद से एक हथियार बना लेती है। तो वो उस किलर को मारने के लिए उसकी टॉर्च को फॉलो करती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप है। तो पीछे से वो किलर आकर प्लास्टिक पेपर की मदद से मैरी को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो मैरी के साथ मजे करता है, लेकिन इतने ही मैरी उस किलर के सर पर रेजर मारती है और डंडे से उसे खूब मारती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक कि वो मर ना जाता है। अब इसके बाद पुलिस को दिखाते हैं जो उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर उनको उस क्लर्क की डेथ बॉडी भी मिलती है। तो उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर गैस स्टेशन की एक वीडियो टेप को देखता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि गैस स्टेशन के क्लर्क को उस ट्रक ड्राइवर ने नहीं मारा था बल्कि मैरी ने ही मारा था। अब इसके बाद मैरी को दिखाते हैं जो अलेक्स के पास जाती है और वो उसे खोल देती है, लेकिन वहाँ पर अलेक्स मैरी पर चिल्लाने लगती है क्योंकि मैरी ने ही अलेक्स की फैमिली को मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूँ कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया था वो ट्रक ड्राइवर नहीं मार रहा था बल्कि वो मैरी मार रही थी। तो मैरी ऐसा सोच रही थी कि वो एक आदमी है और उसे जो भी लड़की पसंद आती है वो उसका रेप करने के लिए उसकी फैमिली को मार देती है और उस लड़की को किडनैप कर देती है क्योंकि वो एक लेस्बियन थी। तो उन सबके पीछे वो ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि मैरी ही थी। तो वहीं पर अलेक्स के हाथ में चाकू रहता है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर मैरी में चाकू मारती है और वो वहां से भागने लगती है। तो वो रोड पर भी पहुंच जाती है, वहां पर उसे एक कार मिलती है, वो उस कार को रोकती है और उस कार में बैठ जाती है। लेकिन वो ड्राइवर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट वो स्टार्ट नहीं होती है। इतने ही वहां पर मैरी आ जाती है चैनसो लेकर और वो उस कार के ड्राइवर को मार देती है। लेकिन इतने ही अलेक्स टूल बॉक्स से क्रोबार लेकर कार से बाहर आ जाती है। तो मैरी अलेक्स के पास जाती है, तो मैरी अलेक्स पर ज़बरदस्ती आई लव यू कहवाती है। उसके बाद मैरी अलेक्स को किस करने लगती है। तो जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तो अलेक्स उस बात का फ़ायदा उठाती है और वो मैरी की छाती में क्रोबार मारती है। और तभी से मैरी इसी लाइन को कहने लगती है कि मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी। तो इसके बाद मैरी उसी साइकिस्ट्रिक हॉस्पिटल में रहती है और उसके पास अलेक्स आती है और वो उसे वन मिरर में से देखती है। तो वहाँ पर भी मैरी सिर्फ एक ही बात को कह रही थी कि मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।